हेलो पीपल, हाउ यू गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीलॉग है अब ऑल अबाउट अटल टनल, रोहतांग पास एंड अटल टनल के बाहर का व्यूज़ जो हम आपको दिखाएंगे। एंड ये अटल टनल के थ्रू हम जा रहे थे, इट वॉज़ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। चलिए ले चलते हैं आपको टू द अदर साइड ऑफ द टनल। ये अटल टनल के रास्ते हम फाइनली ब्रिज पार करके यहाँ पे थोड़ा सा धूप सेक रहे हैं क्योंकि हाथ पैर जम गए। ड्राइव करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया। इन दिस व्यू, ब्यूटीफुल व्यू। टनल का आधा हिस्सा पार करके ना पूरा फील चेंज हो जाता है। फील चेंज हो जाता है। हाँ, कुछ बोल रहे थे, बताओ। क्या कह रहे थे? कि टनल के इस आधा टनल क्रॉस जैसे ही करते हैं ना पूरा फील चेंज हो जाता है। ठंड बढ़ने लगे और आप फ्रीज होने लगे, इवन दो ग्लव्स पहने, और आपको रियलाइज होता है कि आप 10,000 फीट अबव सी लेवल में हो। दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग ऑल टुगेदर। एंड ऐसे 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 व्यू और ऐसे यू नो फील के साथ ड्राइव करना, इट वाज अमेजिंग। हम पहले ऑलरेडी यहाँ आए हैं कैब में, वो भी अलग फीलिंग थी, बट आज खुद से आके भी बहुत ही अलग लग रहा है। उस दिन जिस दिन हम आए थे यहाँ पे ज़्यादा ही आइस थी, आज काफ़ी मेल्ट हो गया है, काफ़ी स्नो मेल्ट हो गया है। परसों तक यहाँ पे हेवी स्नो भरा हुआ था पूरा, वो ट्रीज़ भी नहीं दिख रही थी एक्चुअली परसों, बट आज इट्स थोड़ा बहुत मेल्ट हुआ है। तो हम निकल पड़े वहाँ से टू द अदर साइड, जहाँ पे हमें रोहतांग जाने का रास्ता था। इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस दोनों साइड। मैंने आपको पहले भी वीलॉग्स में बताया था, अटल टनल से जो दो वेज पार्ट होते हैं, जो सीसू जाता है एक जो रोहतांग जाता है, दोनों का ही व्यू बहुत ही डिफरेंट है। आप ये मत सोचे कि एक जगह गए हैं तो वील स्किप द अदर पार्ट, यू कैन नॉट, इट इज़ अमेजिंग एंड प्लीज़ डोंट स्किप इट, बहुत ही अमेजिंग है। हमें तो बड़ा मज़ा आया, आप भी ज़रूर जाइए, बाइक राइड पर जाइए, दैट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। एंड फाइनली हम लोगों ने रोहतांग का रूट लिया एंड वहाँ का व्यू अमेजिंग था, ब्यूटिफुल था। थोड़े बहुत बाइक्स थे, कैब्स थे, कार्स थे, बीच बीच में कैंप्स था, फूड वगैरह खाने के लिए ट्रक्स थे, आप खा सकते हैं। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं वहाँ पे, इट्स बिट मोर एक्सपेंसिव दैन मनाली, एंड ऑफ कोर्स होते भी हैं बिकॉज पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम देयर एंड दे आर सेलिंग इट हियर, तो उनको भी थोड़ा प्रॉफिट चाहिए होता है। एंड ये व्यूज़ आप बस उसका नज़ारों का मज़ा लेते जाइए, बाइक पर डेफिनेटली जाइए, अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, बहुत चिलिंग एक्सपीरियंस होगा बट एट द सेम टाइम बहुत ही मज़ा आएगा। एंड अटल टनल की बात करें तो अटल टनल में जब आप 10,000 फीट अबव सी लेवल जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसका मज़ा ही अलग है, बिकॉज वो चिलिंग कोल्ड एक्सपीरियंस ना। पहले सब हमें बोल रहे थे कि ठंड होगी ज़्यादा, बट ऑफकोर्स ठंड तो थी एंड उसका अलग ही एक्सपीरियंस था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। Bike ride inside Atal Tunnel was beautiful and amazing and at the same time very 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 thrilling. And वो 10 kilometers to 11 kilometers का stretch है, उसमें आपको समझ नहीं आता है कि बाहर क्या होगा। एंड पहले भी मैंने कहा है, अंदर की दूसरे साइड की एंड इस साइड की completely views different हो जाती है, एंड आपको लगता है आप किसी दूसरे जगह पर आ गए हो। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। अनेक पॉइंट पे ऐसा भी लगा मुझे अटल टनल के अंदर कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, टनल इज़ जस्ट गोइंग ऑन गोइंग एंड गोइंग ऑन। अंदर बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं, बीच बीच में मेडिसिंस एंड मेडिकेशंस रखे हुए हैं एंड प्रॉपर लाइटिंग्स हैं, प्रॉपरली कोई दिक्कत नहीं है। एंड अंदर ऑक्सीजन मैंने देखा कि वहाँ पे ऑक्सीजन पास करने के लिए भी बड़े बड़े पाइप्स एंड कंप्रेसर्स लगे हुए थे, सो ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप आराम से जा सकते हैं, बच्चों को भी लेके जा सकते हैं, बट प्रेफर करेंगे कि बच्चों को आप बाइक वाइक पे ना लेके जाएं बिकॉज इट्स लिटिल रिस्की वहाँ हिल्स पे चलाना। और कैब में जा रहे हैं तो भी वो अलग ही एक्सपीरियंस है, वो जो 10 to 11 kilometers का स्ट्रेच है उस पर आप बस वहाँ का नज़ारों का मज़ा तो नहीं ले सकते, लेकिन टनल का मज़ा ज़रूर लीजिएगा क्योंकि अंदर अलग ठंड रहता है, चिलिंग रहता है, आजू बाजू देखिए वो सेफ्टी मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, काफ़ी अच्छा यू नो किया है। हाँ, और एक चीज़ है कि ये जो दो विलेज कनेक्ट होते हैं टनल के बाद एंड टनल के पहले, रोहतांग जाने के लिए पहले बहुत लंबा जर्नी होता था, इट एक्चुअली सेव्ड 4 to 5 hours ऑफ जर्नी, ऐसा मैंने भी सुना है। एंड दैट इज़ द रीज़न ये इतना बेनिफिशियल है, एंड आप आसानी से रोहतांग, सीसू ये सब जा सकते हैं जो पहले काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता था सब लोगों को।
एंड हम लोग गए थे अराउंड अक्टूबर के एंड एंड में, तो स्नोफॉल उसी रात को हुई थी एंड दैट्स द रीज़न हमें देखने को मिल गई. बट जनरली अगर विंटर लेट से शुरू हुआ है तो शायद स्नोफॉल उतना ना देखने को मिले, बट हाँ डेफिनेटली मिलेगा थोड़ा बहुत. Watching and please do like, comment and subscribe to my channel Akanksha Nahush Vlogs and keep supporting people. See you next time.